तो दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्लेमेकर इंडिया। जी हाँ, आज अंडर 20 इंडियन फुटबॉल टीम खेली अगेंस्ट मंगोलिया अंडर 20 फुटबॉल टीम, जो कि ग्रुप जी का फिक्चर था आज एएफसी अंडर 20 एशियन कप क्वालिफिकेशन 2024। जी हाँ भाई साहब, ये मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया। व्हाई इज दैट? बिकॉज वी नीड टू प्रूव अ पॉइंट एंड ऑफ कोर्स यस, हमको जो है यहाँ पे इस ग्रुप में, ग्रुप जी में टॉप करना। आई नो ईरान जैसे अभी भी एक टीम बाकी है जिसके साथ हम खेलेंगे नेक्स्ट मैच हमारा, बट आज का जो गेम था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 3 पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि हमको कैसे भी करके टॉप फिनिश करना है ग्रुप जी में, या फिर सेकंड बेस्ट फिनिश करना है, क्योंकि सेकंड बेस्ट फिनिश कर रहे भी तो यहाँ पे 5 टीम्स के अंदर हमको हमारी जगह बनानी है। तो ऑफकोर्स ये फिक्सचर जो था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और आज का मैच देखते हुए लगा यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूवमेंट लग रहा है अंडर 20 इंडियन फुटबॉल टीम में, क्योंकि पास्ट फ्यू मैचेस की अगर बात करें, अंडर 20 साफ चैंपियनशिप पे हम बात करें, तो भाई साहब वहां पे जो परफॉर्मेंस था इंडियन टीम का, इट वाज रियली अपॉलिंग, रियली ऑफुल। बट आज आई नो वी डिड अ फ्यू मिस्टेक्स, बट स्टिल आई थिंक कहीं ना कहीं हम इस मिस्टेक्स को इग्नोर कर सकते हैं। ऑफकोर्स वी प्लेड बेटर देन द अंडर 20 साफ चैंपियनशिप। जी हाँ भाई, सीधा जाते हैं और मैच का जो एनालिसिस है वो स्टार्ट करते हैं। तो भाई बिफोर आई स्टार्ट दैट, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्ट। बट बिफोर गिविंग यू अपडेट अबाउट द अंडर 20, लेट मी गिव अ बिग अपडेट। जी हाँ भाई साहब, इंडिया वर्सेस मलेशिया इन द नवंबर फीफा फ्रेंडली विंडो। तो भाई साहब जो फीफा के विंडोज होते हैं नवंबर में, उसमें इंडिया मलेशिया के साथ में एक मैच खेलने वाला है। ऑफकोर्स यस, एक रिवेंज टाइप का मैच होगा। आपको पता है कि AFC एशियन के क्वालिफायर्स में पॉट वन में इंडिया है और पॉट टू में मलेशिया है। मलेशिया जो है बहुत जल्द इंडिया को रैंकिंग में पकड़ सकती है, और ये मैच अगर इंडिया जीत जाए तो हमारा पॉट वन पक्का है इन द AFC एशियन कप क्वालिफायर्स। एंड ऑफकोर्स यस, पॉट टू से, पॉट थ्री से, पॉट फोर से हमको ईजी टीम्स मिल सकती है। अगर इस मैच में हमको मलेशिया ने हरा दिया तो ऑफकोर्स यस टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा पॉट वन को, और पॉट टू में हम आ जाएंगे। तो ये साल के जो भी मैचेस थे, इंडिया ने उतने अच्छे परफॉर्मेंसेज नहीं दिए हैं, एंड दिस इज अ चांस जहां पे इंडिया में मैच होने वाला है। ऑफकोर्स यस, इस मैचेस में जो है इंडिया को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगेंस्ट मलेशिया। अगर इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो श्योरली देर इज अ चांस दैट हमारी जो रैंकिंग है बहुत सही हो जाएगी, हम जो है पॉट वन में रहेंगे। तो ऑफिशियल चैनल से, AFF के ट्विटर चैनल से यहाँ पे अपडेट आया है दैट इंडिया वर्सेस मलेशिया होने वाला है नवंबर 19th को। अभी तक वेन्यू डिसाइड नहीं किया गया, ऑफ कोर्स यस थोड़े दिन में वेन्यू डिसाइड किया जाएगा। तो आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आपकी क्या राय इसके ऊपर, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। तो भाई साहब, कमिंग टू द मेन न्यूज़, इंडिया अंडर 20 वर्सेस मंगोलिया अंडर 20। जी हाँ, AFC का अंडर 20 क्वालिफायर, एंड थैंक्स टू ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वी कुडंट वॉच दिस मैच एज यूजुअल, बट इंडिया वॉन दिस मैच 4-1 बाय डिफीटिंग मंगोलिया इन द फर्स्ट मैच। जी हाँ, 3 पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ऑफकोर्स इंडिया ने ओपन किया था विद केलविन स्कोरिंग अ ओलंपिक गोल अगेंस्ट मंगोलिया। अब ये फ्लूक था या फिर एक जेन्युइन गोल था, ये तो बस अभी प्लेयर जानता है और हमारा मैनेजमेंट जानता है। फिर उसके बाद में 45th मिनट में मंगोलिया ऑफकोर्स यस एक कमबैक करती है, 1-1 का स्कोर हो जाता है, फर्स्ट हाफ वहीं पे खत्म। एंड हैज पर द रिपोर्ट, फर्स्ट हाफ में मंगोलिया को एक रेड कार्ड मिल चुका था, तो जो सेकंड हाफ था वो मंगोलिया ने 10 मैन से स्टार्ट किया। सेकंड हाफ में इंडिया का डोमिनेशन ऐसा लग रहा था बाय द ट्वीट्स ऑफ इंडियन फुटबॉल ऑफकोर्स यस, यार फिर से मैं बोलूँ कि यार स्ट्रीम तो हमको देखने के लिए मिली नहीं। सेकंड हाफ में हम 3 गोल स्कोर करते हैं, 2 गोल फ्रॉम खिपकेन ऑफकोर्स यस, एक बहुत ही बढ़िया ब्रेस, एंड ऑलवेज ही इज सीरियसली सिक्योरिंग विन्स फॉर इंडियन फुटबॉल अंडर 20। उसके बाद में 87th मिनट में कोरो सिंह एक गोल मारते हैं, तो टोटल टैली 4-1 की हो जाती है। तो भाई साहब इतना समझ लो, एट द एंड हमको इस ग्रुप में टॉप करना या फिर एक सेकेंड फिनिश लाना, कैसे भी करके बेस्ट सेकेंड फिनिश लाना यहाँ पे। तो लेट्स होप दैट रंजन चौधरी एंड को ये टीम जो है मेहनत करती है, एंड ऑफकोर्स ये एक बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल खेलती है। आज से बेहतर करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट मैच जो है वो ईरान के साथ में, बहुत ही ज्यादा टफ मैच होगा इंडिया के लिए। एंड ऑफकोर्स यस, ईरान किसी भी ग्रुप में हो या फिर किसी भी नेशनल टीम की बात कर रहे हो हम लोग यहाँ पे, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू प्ले अगेंस्ट ईरान। तो वैसे आज का जो वीडियो कैसा लगा आपको, और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है रिगार्डिंग टूडेज मैच एंड रंजन चौधरी, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। ऐसे वीडियोज के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो प्लेमेकर इंडिया। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद और जय भारत।